महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच की ओर से विदर्भ विभागीय प्रमुख कार्यकर्ताओं का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई धोबी समाज की भाड़े समिति की सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जाति में समाविष्ट करने की मंजूरी प्रदान करने की मांग को लेकर सोमवार 9 जनवरी को शहर के संविधान चौक पर कड़ा मोर्चा किया गया। इस मोर्चे में गुस्साए धोबी समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे तीव्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। हमारा जो धोबी समाज जो है, जो धोबी समाज है, उस धोबी समाज को एससी का जो आरक्षण है 1960 में जब महाराष्ट्र की निर्मिति हुई, मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ, तब अलग होने के बाद में बुलढाणा और भंडारा जिले में जो धोबी समाज को जो एससी का आरक्षण था वो भी रद्द कर दिया गया और पूरे धोबी समाज को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए हमारा जो धोबी समाज का जो आरक्षण है वो पूर्ववत मिलने के लिए आज का हमारा यह आंदोलन यहाँ पर में किया गया। आरक्षण यदि जारी नहीं किया गया, फाइल धूल खाते हुए पड़ी, तो आगे आंदोलन का क्या रूप होगा? आरक्षण अगर हमें दिया नहीं गया तो हमारा जो समाज है वो समाज रास्ते के ऊपर में उतर जाएगा। रास्ता रोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और खासदार और आमदार इनके घरों के सामने में अनशन मोर्चा, इस प्रकार के आंदोलन करने के लिए भी हम आगे पीछे नहीं सोचेंगे। सबसे प्रमुख बात यह है जिस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस समय महाराष्ट्र की निर्मिति के पहले हमें जो आरक्षण मिलता था धोबी समाज को अनुसूचित जाति का, भंडारा और बुलढाणा में इस महाराष्ट्र की निर्मिति जैसे ही हुई, इस महाराष्ट्र की सरकार ने धोबी समाज पर घोर अन्याय करके वो सहूलियत जो थी अनुसूचित जाति की वो बंद कर दिया। और उसके बाद धोबी समाज के तमाम संगठन, उसी के साथ महाराष्ट्र राज्य क्रांति विकास मंच ने ये संकल्प किया कि अब रोड पे आने के सिवाय धोबी समाज को कोई रास्ता नहीं, और तमाम इस महाराष्ट्र का धोबी समाज रोड पर आकर उसने अपनी लड़ाई शुरू किया। उसका नतीजा ये अच्छा निकला कि हमने धोबी समाज के तमाम संगठन और हमने सरकार को मजबूर किया डॉक्टर दशरथ भांडे समिति बनाने के लिए, और सरकार ने डॉक्टर दशरथ भांडे समिति की निर्मिति की बनाया, और उसके बाद में उसका जो अहवाल है तमाम महाराष्ट्र के अंदर घूमकर डॉक्टर दशरथ भांडे समिति ने जो निकष था अनुसूचित जाति का उस पर धोबी समाज खरा उतरता है, ये पूरा का पूरा अहवाल राज्य सरकार को प्रेषित किया। और उसके बाद राज्य सरकार ने उस दशरथ भांडे समिति का संपूर्ण अहवाल 4 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार को भेजा। केंद्र सरकार को भेजने के बाद आज इतना लंबा समय व्यतीत हुआ मगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नींद अभी तक खुल नहीं रही है। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।